ये वीडियो तो आप सेव करके रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा तीन बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही काम में आने वाली हरी चटनियाँ। तो पहली हरी चटनी हम बनाएंगे जो सैंडविच में हम ज़्यादातर लगाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। दूसरी जो चटनी है वो कबाब में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि हरा भरा कबाब, पनीर टिक्का, तो वैसे कबाब या स्टार्टर में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो चटनी आपको सिखाऊंगा। और तीसरी जो मेरी चटनी है वो है उंधियों और उबाड़ियों के साथ हम जो हरी चटनी खाते हैं वो वाली चटनी। और ये जो तीसरी चटनी है वो आप विंटर में बना के रख भी सकते हो, आपको डेली रूटीन में भी लंच और डिनर में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विराज नायक रेसिपीज़ में। सबसे पहले हम बनाएंगे सैंडविच की चटनी। तो ये जो हरी चटनी है वो सैंडविच के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगी और आपकी सैंडविच का स्वाद और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो यहाँ पे हम लेंगे एक कप हरा धनिया। तो हरा धनिया को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे पुदीना। तो 1/4 कप पुदीना डालना है। ये देखिए पुदीना भी हमने डाल दिया। अभी हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पर मैंने 5 लहसुन की कलियाँ ले ली है। अभी हम इसमें मिलाएंगे अदरक। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था जिसको मोटा मोटा काट लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे दालिया, यानी कि ये जो ड्राई रोस्ट की हुई चना दाल आती है, तो वो डालेंगे 1 टेबल स्पून। अभी हम इस पे डालेंगे बेसन की सेव। तो यहाँ पे आप सेव या गांठिया कोई भी ले सकते हो। तो ये 2 टीस्पून बेसन की सेव है, तो वो डाल देंगे। तो उससे ये जो चटनी है वो ठीक भी बनेगी और स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आएगा। अभी हम इसमें जीरा डाल देंगे। तो 1/2 टीस्पून जीरा डालना है। अभी हम इसमें मिलाएंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे 3 हरी मिर्च मैं डाल रहा हूँ, ये तीखी वाली हरी मिर्च है। अगर आपके पास ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप थोड़ी और भी डाल सकते हो। उसके बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून चाट मसाला, साथ ही में डाल देंगे 1/4 टीस्पून काला नमक। तो ये दोनों से चटनी बहुत ही बढ़िया और एकदम टेस्टी बनेगी। अभी हम इसमें मिलाएंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे मैं 1/2 नींबू का रस ले रहा हूँ। और जब भी आप कोई भी हरी चटनी बनाते हो तो नींबू का रस आपको पहले ही डालना है, तो आपकी जो चटनी है वो पीसने के बाद एकदम ग्रीन ही रहेगी। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। तो नमक यहाँ पे हम स्वाद के हिसाब से डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने काला नमक भी डाला है, चाट मसाला भी डाला है और बेसन की सेव भी डाली है, तो नमक हम उस हिसाब से डालेंगे। और उसके बाद डाल देंगे तेल। तो 1/4 टीस्पून हम तेल डालेंगे। अभी इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, लेकिन पीसते समय हम सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही पानी डालेंगे, उससे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। पीसने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको 1 से 2 चम्मच पानी से इसको पीसना है और इसको एकदम महीन पीसना है। ये देखिए एकदम बढ़िया कलर भी आया है और एकदम बढ़िया ये दिख रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा महीन पीसा है। तो हमारी जो सैंडविच की चटनी है वो तैयार है। अभी हम बनाएंगे कबाब के साथ जो हम खाते हैं, यानी कि हरा भरा कबाब, या कोई टिक्का के साथ खाते हैं, या तो फिर कोई भी फरसन के साथ खाते हैं, तो वो हरी चटनी। तो उसके लिए हम लेंगे 1 कप धनिया। अभी इसमें पुदीना थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पर हम 1/2 कप पुदीना डालेंगे। उसके बाद लहसुन की कली डालेंगे। तो लहसुन की कली भी हम 4 से 5 डाल देंगे, साथ ही में डालेंगे 3 हरी मिर्च। अभी इसमें अदरक डालेंगे, लेकिन इसमें अदरक भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का टुकड़ा ले लिया था अदरक का और उसको काट लिया है। उसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून दालिया, यानी कि जो ड्राई रोस्ट की हुई चना दाल होती है वो। अभी हम इस पर डालेंगे 1 टेबल स्पून गाठिया। तो ये जो बेसन का गाठिया था वो आप चाहो तो सेव भी डाल सकते हो। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा। तो 1/2 टीस्पून जीरा डालना है। तो यहाँ तक की तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही थी जो पहली चटनी हमने बनाई, लेकिन यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पे हम दही 3 टेबल स्पून जितना डालेंगे। और ये जो दही है वो आपको थोड़ा गाढ़ा दही लेना है और दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये जो चटनी हम पीसेंगे तो उसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जो दही हमने डाला है उससे ये बहुत ही बढ़िया पीस जाएगी। अभी हम इसमें मिलाएंगे चाट मसाला। तो 1/4 टीस्पून चाट मसाला डालना है। और उसके बाद डाल देंगे काला नमक। तो 1/4 टीस्पून काला नमक भी डाल देंगे, साथ ही में डालेंगे नींबू का रस। तो 1/2 नींबू का रस भी इसमें डाल देना है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक हम यहाँ पे स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो ये वाली चटनी में हम तेल नहीं डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो इसको भी बहुत ही महीन पीसना है। ये देखिए एकदम बढ़िया हमारी कबाब की या टिक्का की जो चटनी है वो तैयार है। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आप जरूर बनाइएगा। अभी हम बनाएंगे उंधिया की चटनी, या विंटर स्पेशल चटनी है, तो आप ये रूटीन में भी खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बाकी की जो 2 चटनी बनाई उससे ज़्यादा ही रहेगी।
तो उसके लिए हम लेंगे हरा लहसुन। तो यहाँ पे मैंने एक कप हरा लहसुन ले लिया है जिसको मोटा मोटा काट लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे हरा लहसुन का जो सफ़ेद हिस्सा आता है यानी कि जो लहसुन की कलियाँ, तो वो 10 से 12 डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे ताज़ी वाली जो हल्दी आती है वो, तो एक इंच का मैंने टुकड़ा ले लिया था जिसको काट लिया है। अब इसमें डालेंगे 3 तीखी वाली हरी मिर्च। अभी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, तो ये जो चटनी है उसमें हरा धनिया ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पे हम 1.5 कप हरा धनिया लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे जीरा, तो 1/4 टीस्पून जीरा मिलाना है। अभी हम इसमें नमक मिलाएंगे, तो नमक हम स्वाद के अनुसार मिला देंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे नींबू का रस, तो यहाँ पे भी हम आधे नींबू का रस डालेंगे। अभी इसमें हम तेल डालेंगे 1 टीस्पून। और अब इसको पीस लेना है, लेकिन ये चटनी में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको पीसने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सके तो जो छोटा वाला मिक्सर का जार आता है वो आपको लेना है। आपको धीमे धीमे इसको मिलाते हुए पीसना है, तो जो धनिया का पानी है और लहसुन का पानी है उससे ही पीस जाएगी, बाकी की दो चटनी से ये थोड़ी गाढ़ी बनेगी। लेकिन अगर आप पानी डालोगे तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसीलिए आपको धीरज से और पेशेंस से इसको बिना पानी ही पीसना है। ये देखिए एकदम बढ़िया ये चटनी बन गई है और ये काफ़ी गाढ़ी बनी है, हमने इस पर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। और खाने में भी ये चटनी बाकी की दो चटनी से थोड़ी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारा हरा लहसुन डाला है और थिक करने के लिए कुछ भी नहीं डाला है, यानी कि बेसन गाठिया कुछ भी नहीं डाला है इसमें, तो ये जो चटनी है वो बहुत ही बढ़िया बनती है। तो तैयार है हमारी उंधिया या विंटर स्पेशल ग्रीन चटनी। ये देखिए तीनों चटनी तैयार है। तो सबसे पहली ये सैंडविच की चटनी, उसके बाद हमने ये बनाई फरसान की या जो कबाब के साथ या टिक्का के साथ हम जो खाते हैं वो चटनी, और ये जो उंधिया के साथ और विंटर स्पेशल चटनी। तो तीनों चटनी तैयार है। खमन ढोकला के साथ जो हम खाते हैं वो चटनी तो मैंने पहले अपलोड की थी, तो उसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपके एक लाइक से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी के साथ ये रेसिपी आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।